Hey guys, I am Preeti and welcome back to my channel. जैसे कि मैंने अभी अपने hair fall वाले वीडियो में शेयर किया था कि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम हुआ, उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मैसिव hair fall हुआ और मैंने अपना जो ड्राई स्किन के लिए मॉइस्चराइजर में यूज़ करी उसमें भी बात बोली थी. तो कई लोगों ने मुझसे पूछा है क्या सिम्टम्स होते हैं. कुछ लोगों को कन्फ्यूजन आ जाता है कि ड्राई स्किन है या हेयर फॉल हो रहा है तो क्या मुझे ये प्रॉब्लम तो नहीं है. और भी लोगों के कई सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे. तो आज मैं आपके साथ फिर वही शेयर कर रही हूँ कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और मुझे क्या हुए. और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको कोई एग्जैक्ट चीज़ मत समझ लेना. हमारी बॉडी अलग अलग है, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी अलग अलग है और सबका अपना बॉडी का एक अलग मैकेनिज्म होता है. ठीक है, तो मैं आपके साथ जितने भी सारे जनरल सिम्टम्स हैं वो शेयर करूँगी. और ये ज़रूरी नहीं है हर किसी को वो सारे सिम्टम होंगे या जो मुझे हुए वो भी सारे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है. सबका अपना अलग अलग रहता है, बट क्योंकि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ. एंड यू कैन ऑलवेज कंपेयर. एंड मुझे पता है जब कुछ ऐसा होता है तो हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत जानना चाहते हैं कि अच्छा किसको है, क्या हो रहा है, उसको कैसा फील हो रहा है या उसके साथ क्या क्या हुआ, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और मेरे दिमाग में भी तो मैंने भी बहुत रिसर्च किया था. तो आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं हर चीज़ अपनी एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रही हूँ. तो आप इस इंफॉर्मेशन को बहुत ही इंटेलिजेंटली यूज़ करना. तो सबसे पहले तो मैं अपने टर्म्स में बताना चाहती हूँ कि बेसिकली थायराइड क्या होता है. तो थायराइड बेसिकली एक ग्लैंड होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारे गर्दन में, हमारी नेक के अंदर, बहुत छोटी सी, जो कि T3 और T4 हार्मोन्स बनाती है जो कि हमारी पूरी बॉडी का मैकेनिज्म कंट्रोल करते हैं. इन द सेंस कि जो T3 और T4 हार्मोन्स हैं वो हमारी बॉडी की हर सेल्स को चाहिए काम करने के लिए, सो दैट हर सेल अपना काम कर सके. तो क्या होता है, जब इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है T3 और T4 का, तो हमारी जो सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टर, नॉर्मल से फास्टर वर्क करने लगती हैं, जिससे कि हमारा हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और उस कंडीशन में हमें हो जाता है हाइपरथायरॉयड. और अगर ये जो थायरॉयड ग्लैंड है T3 और T4 को कम प्रोड्यूस कर रही है तो हमारी जो सेल्स हैं वो ढंग से काम नहीं कर पाती हैं, उनकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिस वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म और इंटेस्टाइन भी स्लो हो जाता है और हमारी हार्ट बीट भी थोड़ी कम हो जाती है. तो ये बेसिक एक लेमेंस लैंग्वेज में आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो. और इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोथायरॉयड. ज़्यादा करके हाइपोथायरॉयड एक कॉमन बीमारी है. तो ये बीमारी मैन, वुमेन, चिल्ड्रन किसी को भी हो सकती है, बट वुमेन ज़्यादा प्रोन होती हैं इस बीमारी के लिए. तो थायराइड होने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यून डिजीजेज जिसमें वो अपने ओन थायराइड ग्लैंड्स को डिस्ट्रक्ट करती हैं, वो ज़्यादा कॉमन है. और ये बीमारी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में है आपको तभी हो, बिकॉज मेरे घर में मेरी मॉम के साइड से, मेरे डैड के साइड से कभी किसी को ये प्रॉब्लम नहीं हुई है. मैं पहली हूँ जिसको हो रही है. और आप और भी अगर रिसर्च करोगे तो इसका आपकी फैमिली हिस्ट्री से कुछ लेना देना नहीं है. अगर ये आपके फैमिली में और किसी को नहीं है तो भी ऐसा कुछ नहीं है, आपको हो सकती है. अब बात आती है कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं. तो मैं यहाँ पे बात करूँगी सिर्फ हाइपरथायराइड की, क्योंकि मुझे वही प्रॉब्लम है और मैं सिर्फ उसी के बारे में, मेरा एक्सपीरियंस उसी के बारे में बता सकती हूँ. साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जाऊँगी कि मुझ में कौन कौन से थे इसमें, और बाद में मैं उनको डिटेल में एड्रेस करूँगी. और गाइज, ये थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है, तो चाय कॉफ़ी जो भी चाहिए आप लेके बैठ जाओ. So, as per Mayo Clinic, hypothyroid के signs and symptoms में include fatigue, जो कि मुझे था, number one, increased sensitivity to cold, जो कि मुझे थी. मुझे normal से, मतलब किसी को इतनी ठंड नहीं लग रही होती थी, मुझे लगती थी. इवन मुझे अप्रैल के महीने में इतनी सर्दी लग रही थी कि मैं गर्म पानी से नहा रही थी, और स्पेशली मेरे पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो जा रहे थे. कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि आपकी बॉडी सेल्स, उनको T3 और T4 प्रॉपरली नहीं मिल रहे हैं, तो उन्हें जिस स्पीड से काम करना चाहिए वो उस स्पीड से काम नहीं कर रहे हैं. आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, आपकी इंटेस्टाइन ठीक से वर्क नहीं कर रही है, स्लो वर्क कर रही है, तो ऑफकोर्स आपको कॉन्स्टिपेशन होगा. ये एक मेजर सिम्टम है और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता था. ड्राई स्किन, मेरे को बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी स्किन का प्रॉब्लम था. पफी फेस, आप मेरा फेस देख ही सकते हो, ऐसा लगता है एकदम से, मतलब होता है ब्लोटेड टमी, बट मेरा फेस मुझे बहुत ब्लोटेड फील होता है. आई हैव दिस पफी फेस और यहाँ पे भी थोड़ा सा, यू कैन सी,
ये भी एक थायराइड का मेन प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे इस तरीके से आपकी गर्दन और ये यहाँ पे मोटा हो जाता है, मेरा फेस मुझे एक अलग से ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी में अगर सबसे ज्यादा वेट गेन कहीं पे हुआ है तो मेरे फेस पे हुआ है, तो मेरे फेस पे ये एकदम ऐसा सूजा सूजा सा लगता है। नेक्स्ट सिम्टम है होसनेस, यानी कि आपकी आवाज़ भारी हो जाती है, ये मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हुआ, मेरी वॉइस क्वालिटी में मुझे कोई चेंज नहीं दिखा है। मसल वीकनेस, गाइज ट्रस्ट मी, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा मसल वीकनेस थी कि यहाँ से मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा बेहद दर्द रहता था, मेरी काफ मसल्स बहुत ज़्यादा दर्द करती थी, तो मसल वीकनेस मुझे बहुत ज़्यादा हो गई थी। इवन मैं ऐसे ना कोई चीज़ बहुत टाइम तक उठाती थी तो मुझे हाथ में दर्द हो जाता था। एलिवेटेड ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, यस, इसकी वजह से मेरा कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हाई है जिसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। मसल एक टेंडरनेस एंड स्टिफनेस, यस, मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब मस्कुलर प्रॉब्लम मुझे बहुत ज़्यादा थी, मेरा पूरा हाथ और ये काफ वगैरह की मसल्स ये सब बहुत दर्द करते थे। उसके बाद हैवियर देन नॉर्मल और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, मेरी डॉक्टर भी सरप्राइज थी, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ, मतलब नॉट फॉर इवन अ सिंगल मंथ मेरे पीरियड ना डिलेड हुए ना कुछ भी नहीं बदला पहले से। तो ये सिम्टम जो कि एक बहुत कॉमन सिम्टम है जो तो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ वुमेन में मिलता ही मिलता है, अगर उन्हें हाइपोथायराइड है, ये मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा था एंड माई डॉक्टर वॉज ऑल्सो सरप्राइज। थिनिंग हेयर, पूछो मत कितने मेरे बाल झड़ रहे थे, मैं नहीं बता सकती, इस वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में थी। स्लोड हार्ट रेट, ये भी मेरे केस में नहीं था, मेरी जो हार्ट रेट थी वो नॉर्मल से ज़्यादा थी, मतलब माई डॉक्टर वॉज ऑल्सो सरप्राइज कि ये सिम्टम तो होना चाहिए हाइपर थायराइड में बट मुझे हाइपोथायराइड में हो रहा था। डिप्रेशन, इम्पेयर्ड मेमोरी, तो मुझे एग्जैक्टली डिप्रेशन तो नहीं था बट यस ऑफकोर्स मेरे को बहुत एक इरिटेबिलिटी मेरे अंदर बढ़ गई थी, काम करने में मेरा मन नहीं लगता था और मुझे नॉर्मल से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आई बिकेम वेरी इम्पेशेंट, मैं डॉक्टर के पास गई क्यों थी, मेरे को ना बहुत ज़्यादा थकान रहती थी, मुझे इतनी ज़्यादा टायर्डनेस रहती थी कि मैं जब सुबह सो के उठती थी मुझे तब भी फ्रेश नहीं फील होता था, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड रहने लग गई थी। अचानक से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन बढ़ गया था, मतलब मैं उन लोगों में से हूँ कैजुअली शांति से बैठ के सोच के रिजॉल्व करती हूँ अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स, बट सडनली मुझे अचानक से इतना गुस्सा आ गया था, मतलब बाय प्रोफेशन मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मेरा अपना लेबल है, वर्कशॉप है, मेरे पास रोज कोई अचानक से बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे इश्यूज आते ही थे, बट अचानक से मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था, मुझे हर चीज से डर लगने लग गया था, मुझे अपने वर्कर्स के ऊपर बेहद गुस्सा आने लग गया था और मतलब मैं हर चीज से वो एक एस्केपिस्ट वाला एटीट्यूड होता है ना मेरा, वो हो गया था कि मैं हर चीज से मैं एकदम से इतना ज्यादा परेशान हो जाती थी, जबकि पहले मेरी लाइफ में इतना ज्यादा मतलब डेली मतलब हम लोगों को लगता है कि डिज़ाइनर्स की लाइफ बहुत फैंसी होती है बट ऐसा होता नहीं है, आपकी लाइफ में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस होता है, अभी ये सामान ख़त्म हो रहा है, अभी आपके वर्कर्स वो चीज़ बताएंगे वो ख़राब हो गया, ये सामान ख़त्म हो गया, आपको ऑर्डर्स टाइम से पहुँचाने हैं, आपको इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टली टाइम लाइन्स पर डिलीवर करना पड़ता है कि पूछो नहीं। तो अचानक से मेरे को मेरे काम में इंटरेस्ट आना बंद हो गया था, मेरा गुस्सा बेहद बढ़ गया था, मतलब कोई मुझसे कोई एक बात बोले आकर के और इनफेक्ट कोई मुझसे भी बोल दे मैम ये सामान खत्म हो गया है, मुझे उस बात पे भी गुस्सा आ जाता था। साथ ही मेरे को क्या होता था कि जैसे मैं सुबह उठ रही हूँ, मैं उठ के मतलब मेरे को इतना ज़्यादा थकान रहती थी, इतना जैसे कई बार क्या होता था मैं चलते जैसे 5 मिनट अगर चली हूँ तो मेरे को यहाँ पे अपर बैक में पेन हो जाता था और धीरे धीरे मेरा वेट गेन बढ़ होता जा रहा था। क्या हो रहा था जैसे मैं सुबह उठी और सुबह उठ के आप जो भी अपना शीट वगैरह ओढ़ते हो, उस टाइम सर्दियाँ चल रही थी तो सुबह उठ के मैं अपना अगर ब्लैंकेट वगैरह फोल्ड करती थी, मेरे हाथ उसमें यहाँ से इतना ज़्यादा थक जाते थे, इतना ज़्यादा दर्द करने लगते थे। उसके बाद मैं चाय बना रही हूँ, अब ये तो हाइट थी ना कि यार आप चाय का कप पकड़ के पी रहे हो और आपको इतना ज़्यादा हाथों में दर्द हो रहा है, मुझे लग रहा था कि शायद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि मैं लेट नाइट तक काम करती हूँ, तो मुझे ये सब लग रहा था। बट ये सब करते करते ना अच्छा खासा एक 3-4 महीने जब हो गए और मेरी थकान जा ही नहीं रही थी और धीरे धीरे मेरा वेट बढ़ता ही जा रहा था, तो मुझे लगा कि अब हाई टाइम है अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो ये मेरा डॉक्टर के पास जाने का मेन रीज़न था कि मैं अपनी वो थकान, अनबेरेबल थकान, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। डॉक्टर इसका डायग्नोसिस कैसे करता है, आपका ब्लड टेस्ट करता है, ब्लड टेस्ट में जब आपका आ जाता है कि आपको थायराइड है, उसके बाद वो आपको दवाई देते हैं और दवाई में भी इसमें ट्रायल एंड एरर होता है, डिपेंडिंग अपन आपका TSH लेवल कितना बढ़ गया
क्या है हाइपोथायराइड में और T3 और T4 का क्या लेवल है, उस हिसाब से डॉक्टर आपको आपकी डोज देता है। वो डोज देने के 3 महीने बाद डॉक्टर आपका फिर से ब्लड टेस्ट करवाएगा ये देखने के लिए कि वो डोज अपना ठीक से काम कर रही है, और अगर वो मतलब ठीक से आपकी बॉडी अभी नॉर्मल नहीं हो पा रही है तो उस डोज को बढ़ाएंगे आपके लिए, कम करेंगे अगर बहुत ज्यादा लो हो गया है TSH लेवल। मैं तो एक बार ये भी सोच रही थी कि मैं किसी बालों के डॉक्टर को दिखा लेती हूँ, तब भी मेरे दिमाग में ये सब कुछ नहीं आता ना यार कि थायराइड वगैरह की वजह से होता है या कुछ ऐसा मुझे होगा भी। तो मेन मेरा ये था, मैं बहुत थकान रहती थी, मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, ड्राइनेस था और वेट गेन हो रहा था, तो ये मेरे मेजर सिम्टम्स थे। तो इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई, फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन वगैरह दिए और फिर 3 महीने तक मैंने मेडिसिन खाए और फिर दोबारा मेरा ब्लड टेस्ट हुआ। तो जब मेरा दोबारा ब्लड टेस्ट हुआ तो मेरा थायराइड अब नॉर्मल लेवल में आ गया। बट ये एक ऑलमोस्ट आपकी लाइफ टाइम की सी ही कंडीशन है कुछ केसेस को छोड़ के, मतलब ये डॉक्टर ने मुझे बताया, और ये गोली आपको खानी पड़ती है बिकॉज तभी आपकी जो T3, T4 और TSH के लेवल है बैलेंस में रहते हैं, तभी वो मैन्युफैक्चर करता है थायराइड ग्लैंड नॉर्मल जितना अमाउंट चाहिए। तो ये गोली तो आपको मतलब दवाई तो आपको खानी रहती है, और मुझे तो दवाई ऐसे खानी होती है, मोस्टली केसेस में यही रहता है कि सुबह आपको एम्प्टी स्टमक की दवाई खानी है पानी के साथ, और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है आधे घंटे तक। जैसे किसी ने मुझसे पूछा, मैं उनको बता दूंगी मेरे हार्मोन के लेवल्स क्या थे। जब मेरा फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ था, मेरा T3 लेवल था 4.88 और जिसका नॉर्मल रेंज होता है 4 से 8.3 तक, और मेरा T4 लेवल था 13.19 जिसका नॉर्मल लेवल होता है 9 to 20, और मेरा TSH लेवल था 6.140 जिसको होना चाहिए 0.25 से 5 की रेंज में। तो ये तो मेरी फर्स्ट टेस्ट रिपोर्ट थी। उसके बाद जब 3 महीने बाद हुआ मेरा, तो मेरा T3 भी कम हो गया, 2.69 हो गया, पहले था 4.88, T4 मेरा बढ़ गया, और एक नॉर्मल इंसान में इस रिपोर्ट में लिखा है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में T4 का लेवल T3 से ज़्यादा होना चाहिए। तो T4 मेरा सेकेंड टाइम पे था 15.71 और TSH मेरा जो पहले था 6.14 वो अब हो गया है आफ्टर 3 months ऑफ टेकिंग मेडिसिंस हो गया है 2.7। तो अभी भी डॉक्टर ने मतलब मेरा डोज वगैरह कुछ कम नहीं किया, बढ़ाने का तो ज़रूरत ही नहीं था। तो अब मेरे को मेरी कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, मैंने ऑलमोस्ट अपना हेयर फॉल तो क्योर कर ही लिया है, काफ़ी नए बाल भी आ रहे हैं, ड्राई स्किन मेरा पूरा इम्प्रूव्ड हो गया है, और कॉन्स्टिपेशन आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने थायराइड की गोली खानी स्टार्ट करी है, और उसके शायद मैं 1 हफ्ता भी कहूँगी तो ज़्यादा कहूँगी, 3-4 दिन में ही अच्छा हो गया था। और उसके बाद मेरा मेजर सिम्टम कौन सा है, वेट गेन और ये पफी फेस। तो मतलब वेट तो एक ऐसी चीज़ है जो इतनी आसानी से जाता नहीं है, तो अब मुझे इसके लिए काम करना है। मेरा वेट जो है पूरा 10 kg बढ़ गया है, ऑल्दो डॉक्टर के हिसाब से मेरा जो BMI है वो भी नॉर्मल रेंज में ही आता है, मतलब मेरी हाइट है 5.6 inches और मेरा वेट इस टाइम पे हो गया है 60। तो अभी भी मेरा वेट नॉर्मल रेंज में ही है, हेल्दी रेंज में है, बट मुझे वो थोड़ा ज्यादा लगता है। ऑल्दो मेरा BMI नॉर्मल है बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी विद दिस वेट बिकॉज थ्रू आउट माई लाइफ मैं बहुत ज्यादा स्किनी रही हूँ और इतना वेट मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मुझे कम तो करना पड़ेगा। अब मेरे को थकान तो नहीं होती, इससे पहले तो मैं वॉक भी नहीं कर पा रही थी, तो मैंने धीरे धीरे वॉक स्टार्ट किया है और मैंने अपने लिए कुछ डंबल शंबल भी मंगाए हैं, और मैं काफ़ी सारी फ्लोर एक्सरसाइजेस भी जानती हूँ क्योंकि मैं जिम जाती थी। बट पिछले 1 साल से मैंने अपना एक ऑफलाइन शॉप भी खोल लिया, तो वहाँ पे मुझे शाम को बैठना पड़ता था, तो मैं जिम नहीं जा रही थी, और ये बहुत गलत बात है। मतलब हम लोग अपनी हेल्थ को इतना ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, हमें अपने लिए एटलीस्ट दिन में 1-1.5 घंटा तो निकालना चाहिए। तो अब हालांकि अभी मैं इतना मोटिवेटेड नहीं फील करती हूँ, बट अब बाकी सारे कंसर्न्स तो ऑलमोस्ट एड्रेस हो गए, वेट बचा है, ये मुझे मतलब कम तो करना है, एटलीस्ट 5-6 किलो तो कम करना पड़ेगा। मेरा लाइफस्टाइल सच में ऐसा था कि जिसमें शायद मैं खुद का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती थी, 1% भी नहीं, ना मेरा कोई खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, मतलब नींद भी कभी, मतलब मैं कितने सालों से सिर्फ 4 से 5 घंटे की ही मैं नींद लेती हूँ। तो बट अब मैं अपनी हर चीज़ पे वर्क कर रही हूँ, और आई थिंक अब मैंने अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बना लिया है, और मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है एक कंटिन्यूस स्ट्रेस में रहना, इस वजह से मैंने अपना वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा कम किया है अब, क्योंकि काम है तो यार स्ट्रेस तो होगा ही, और मेरा काम ऐसा था कि हमेशा मेरे पास कोई ना कोई फ़ोन आता रहेगा और कोई ना कोई इशू चलता रहेगा, और मैं हमेशा ही एक नहीं दो नहीं मतलब 75 चीज़ें दिमाग में चलती थी, लोगों की सैलरीज ऑर्डर्स पूरे करना,
अब सामान लाना और भी 10 तरीके की चीज़ें, तो मतलब मैं पूरा कंज्यूम होती जा रही थी अपनी डेली लाइफ से। तो मेरा सब लोगों से यही कहना है यार, अपने लिए टाइम निकालो और थोड़ा सा वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी उतना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाती हूँ, जल्दी थोड़ा एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ, बट धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया है और लाइफस्टाइल में तो मुझे अपने में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पड़े हैं डॉक्टर के सजेशन से, और मुझे अपने खाने में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पड़े हैं बिकॉज क्योंकि इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हुआ, उसको नॉर्मल लेवल में लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हार्ट की और भी बीमारियाँ हो सकती हैं। हाइपोथायराइड एक ऐसा प्रॉब्लम है जो अपने आप तो आपको होगा ही, साथ में आपका वजन बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बाल झड़ जाएंगे, आप थके रहोगे, मतलब आपकी पूरी लाइफ का जो बैलेंस है ना वो बिगड़ जाएगा, और ये जो आपको और बीमारियां हो जाती हैं, आपका वेट गेन हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको डायबिटीज हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ ही जाता है, तो इस वजह से आपको और भी 10 बीमारियां लग सकती हैं। तो इस वजह से मैंने लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस अपने डॉक्टर के सजेशन से किए हैं और मेरा डाइट भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैं वही डाइट चार्ट फॉलो करती हूँ जो डॉक्टर ने मुझे बताया है। वो सब मैं आपसे एक अलग वीडियो में शेयर करूंगी बिकॉज आप थायराइड और उससे जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये सब क्योर करने के लिए आपका डाइट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और आपको अगर वेट लूज करना है तो उसमें 70% जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपकी डाइट का होता है एंड 30% इज फिजिकल एक्टिविटी। और फिजिकल एक्टिविटी बट ये नहीं है कि सिर्फ 30% कॉन्ट्रीब्यूट करती है वेट लॉस में, हमें वैसे भी फिजिकली एक्टिव तो रहना ही चाहिए बिकॉज उससे हमारा स्ट्रेस रिलीज होता है और हमें नींद भी अच्छी आती है, और हिलना डुलना तो वाकई में ज़रूरी है ना। आई होप ये वीडियो आपके लिए समहाउ यूजफुल रहेगा, और जो लोग मुझसे कुछ कुछ पूछ रहे थे उनको अपने आंसर्स मिल गए होंगे। तो स्टिल अगर कुछ रह गया हो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली उस चीज़ का रिप्लाई करूंगी, एंड आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे ब्यूटिफुल स्टाइलिश, बाय बाय।